हेलो फ्रेंड्स, मेरी भोजनशाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रूट चाट मसाला। फ्रेंड्स, जब भी हम बाजार जाते हैं तो कचौरी और समोसे से हटकर के कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, तो हम खाते हैं फ्रूट्स वगैरह। और इसमें जो दुकानदार मसाला डाल करके देते हैं, जिससे कि फ्रूट का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आज हम यही मसाला घर में बनाना सीखेंगे। तो आइए देख लेते हैं फ्रूट चाट मसाले को बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है फ्रूट चाट मसाला बनाने के लिए 1 चम्मच काली मिर्च, 5-6 सूखे खड़े लाल मिर्च, 2 तेज पान के पत्ते, 2 चम्मच सूखा खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा। तो सबसे पहले हम इसे एक कढ़ाई में डाल देंगे। गैस ऑन कर दिया हमने, इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसे हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट ही रोस्ट करना है, जो इसमें मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए और जब हम मसाला पीसे तो वो अच्छे तरीके से पिस जाए। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच काला सेंधा नमक, आधा चम्मच सफेद सादा नमक, 3 चम्मच चीनी डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे साइट्रिक एसिड यानी कि टार्ट्रिक का पाउडर, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो हम इसे डालेंगे 1/4 चम्मच। अब हमारा मसाला ठंडा हो गया है तो हम इसमें तेज पान के पत्तों को इस तरीके से चूर करके डाल देंगे और बाकी बची चीजों को भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने मसाले को पीस लिया है और ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अगर आपका मसाला थोड़ा बड़ा रह गया है तो आप छान लें, और छानने के बाद में जो बड़ा रह गया है उसे दोबारा से पीस लें। और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, फ्रूट चाट मसाला बनकर के तैयार है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रखें और जब भी आप फ्रूट्स खाएं तो इस मसाले को डाल करके खाएं। ये मसाला 2 से 3 महीने तक खराब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।